यह वही भवन है जहां से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारी प्रथा के विरोध से लेकर देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। स्वामी सहजानंद सरस्वती से प्रभावित होकर वह आश्रम से जुड़े और मौजूदा समय में ट्रस्ट के चेयरमैन। तो मंजिला भवन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यह वही जगह है जहां स्वामी जी रहते थे। योगेंद्र सिंह के घुटनों में दर्द के बाद भी वो हमारे साथ खुद चल देते हैं। वे बताते हैं कि स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित देवा गांव में हुआ था। पिता बेनी प्रसाद ने उनका नाम नवरंग रखा था। स्वामी जी बचपन से ही संस्कृत को लेकर काफी रुझान था। वह पढ़ाई में काफी तेज थे। घर वाले किशोरावस्था में ही उनकी शादी करा दी ताकि संन्यास की तरफ नहीं जा सकें। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी की मौत हो गई। घर वाले दूसरी शादी की तैयारी करने लगे। मैट्रिक की पढ़ाई छोड़ उन्होंने घर का त्याग किया और काशी में दीक्षा लेकर अपारनाथ आश्रम मठ में रहकर ज्ञान की प्राप्ति की। श्री सीताराम आश्रम में ही मुलाकात डॉक्टर सत्यजीत सिंह से होती है और उनके जो पिता हैं वो एडवोकेट चिंताहरण सिंह ने स्वामी जी के निधन में काफी सहयोग किया और आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम भी किया। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ली और घूम घूम कर लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाकर जोश भरा। बाद में वह कांग्रेस के एक्टिव सदस्य भी बन गए। आश्रम से ही हुआ किसानों को जमींदारों के जाल से बाहर निकालने और देश को आजाद कराने के लिए हर स्तर से रणनीति भी बनाई। वर्ष 1927 में पटना आने के बाद वह श्री सीताराम आश्रम पहुंचे और वहां से अपने मिशन की नींव रखी। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने बिहार के किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त कराया। आश्रम में बच्चों के लिए संस्कृत का स्कूल भी चलाया। किसानों को लेकर पटना और फिर राजकीय के साथ राष्ट्रीय यूनियन बनाया, जिसके बाद वे कांग्रेस से दूरी जो है बढ़ा दी थी उन्होंने। स्वामी जी ने किसानों के लिए लाठी उठाई और देश के जाबाजों के लिए हुंकार पत्रिका भी निकाली। नमक आंदोलन में स्वामी जी ने समर्थन किया। किसानों व देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई में वह 3 बार जेल गए। स्वामी जी ने पहली लड़ाई ब्राह्मणवाद और दूसरी लड़ाई अंग्रेजों और फिर तीसरी लड़ाई जमींदारों के चिंगुल से किसानों को आजाद कराने के लिए लड़े। स्वामी जी किसानों को भगवान मानते थे और किसान स्वामी जी को। अमेरिका वाल्टर हाउजर आश्रम आए, स्वामी जी पर पीएचडी किया। उसके बाद 6 विदेशी लोगों ने पीएचडी स्वामी जी पर ही की। आश्रम में खराब हो रही स्वामी जी के हस्तलिखित पुस्तकों के साथ अन्य सामानों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका ले गए, जिसे काफी प्रयास के बाद पुनः भारत वापस लाया गया। स्वामी जी की जीवनी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन बिहार में सरकारी किताबों में एक भी अध्याय स्वामी जी पर नहीं है। म्यूजियम में उनके पुराने कपड़े और बर्तन के साथ बिस्तर तक भी हैं। नए जो विहटा में बन रहा एयरपोर्ट है उसका नाम भी स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। आश्रम की देखरेख करने वाले निवेश कुमार ने बताया कि यहाँ स्वामी जी की समाधि स्थल है। म्यूजियम में उनके पुराने कपड़े हैं, बर्तन के साथ बिस्तर भी है। सन्यासी जीवन के साथ उनके योद्धा होने का पूरा सामान आज भी मौजूद है। और जमींदारों से किसानों को आजाद करने वाले ये संत की कहानी थी। सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ही बनवाया था। आजादी के लिए लोगों में जोश भी भरा था स्वामी जी ने।